और नाजरीन ख्वारी हो रही है बहुत ज़बरदस्त। तीन टेक्स हो चुके हैं इस लंबी सड़क पे हमारे तीन टेक्स हो चुके हैं भाई। हमारे पुलिस वाले वेट कर रहे हैं हमारे सर, कैसे ख्वार हो रहे हैं अभी हमारे साथ। सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी रेहान और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्ट बाय रेहान खान। दोस्तों ये एपिसोड है रैपअप एपिसोड, एक लास्ट एपिसोड है जो जर्नी मैंने आपके साथ शेयर करी थी जो शॉर्ट फिल्म हम शूट करने गए थे कराची टू इस्लामाबाद। ये फाइनली उसकी लास्ट एपिसोड है। यस, ये इस जर्नी को अब रैपअप कर रहा हूँ मैं, और जितनी भी एपिसोड्स हमने अपलोड करी हैं उसका एक क्विक सा रिकैप लेंगे उन दोस्तों के लिए जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, ये खास उन न्यू फिल्म मेकर्स के लिए हैं जो आप इस फिल्म की दुनिया में एंटर हुए हैं। आप लोगों को कोई ना कोई हेल्प इस वीडियो में, इस पूरी एपिसोड में ज़रूर मिलेगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं चाहता हूँ कि आप जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो ज़रूर ये चीज़ देखें, क्योंकि इसमें पूरी एक जर्नी है। जब हम कराची से इस्लामाबाद गए और एक हफ्ते में हमें शूट करनी थी, तो शूट में हमें क्या क्या हर्डल्स आए, किस तरीके से हमने पूरा प्लान किया, तो इस जर्नी में सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो ज़रूर ये वीडियोस देखें। सो उनके लिए एक क्विक सा रिकैप और उसके बाद फिर हम अपनी इस जर्नी को रैप करेंगे। सो हियर वी गो। इस्लामाबाद में डे वन और हम जा रहे हैं कुछ रैकी शेकी का। यार भाई मेरी स्टिंग नहीं लाया। हम जा रहे हैं फाइनली कुछ ऑडिशंस लेने, जिसका इंतज़ार बहुत दिन आ गया है और आज हमारे शूट का पहला दिन है। तो मौसम हो गया है फुल सुहाना बारिश वाला और हम लोग फिक्स कर रहे हैं अपने शॉट्स। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। हाँ जी, तो ये था हमारा सारा रिकैप। जाके ज़रूर देखना सारी एपिसोड्स ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे साथ एक्चुअली में हुआ क्या क्या था इन सारी एपिसोड। तो चलो अपने इस एपिसोड को रैप अप करते हैं और चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। तो चलो, तो आइए नाजरीन आपको मिलवाते हैं हमारे लीड एक्ट्रेस से। क्या कर रहे हैं, मतलब शूट से आप बिल्कुल फ्री हो गए? कैसा लग रहा है आपको शूट, कैसा लग रहा है ये? लेकिन आपकी वजह से ही हुआ था, वो हमारा दिन पूरा जाया। आप दोनों की वजह से हुआ था और अब हम आज जो है ना इनको फुल सताएंगे, पूरा दिन इनसे रिकॉर्डिंग करवाएंगे। तैयार हैं? यार तो हमारी शूट पर जो है ना अक्सर ऐसे मामला भी हो जाते हैं कि लोग जो है ना काम से ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। ग्लासेस कराची बॉय ऐसे करते हैं क्या? किस पर करते हैं घर से सीखा है मैंने। वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर रेहान द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस the hardcore of the team from the days of wonderful very expensive shit. ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी सबसे इनसे पैसे निकलवाऊंगा इसके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपने पीछे थोड़ा सा एक फन देखा है, इसमें मैंने इन लोगों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि हम सुबह 10 बजे से हम लोग कंटिन्यूसली शूट पर थे और ये हमारे पास एक लास्ट डे था हमारे पास जिसमें हमें शूट कंप्लीट करनी थी।
हमने लंच भी नहीं करा है, हमने कुछ ऐसा कुछ खाया भी नहीं था, तो एक ज़रा सा अगर फन मोमेंट आपके इस शूट में अगर हो रहा है तो आप इसको होने दो, लेट इट बी, ठीक है? क्योंकि अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी फ्रेश नहीं होगा, अगर आप हैक्टिक अपने आप को फील करोगे तो आपका शूट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, आप शॉर्ट्स जो है ना वो प्रॉपर बनाओगे। सो यस, जैसा चल रहा था मैंने उसे चलने दिया और फिर हम दोबारा से शूटिंग पर अपनी स्टार्ट हो गए। जी तो यह सुबह निकले हुए हैं 10 बजे से और इस टाइम पौने 5 हो रहे हैं और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, बस कंटिन्यूसली हम लोग शूट कर रहे हैं और इस टाइम कंटिन्यूसली जो एक शीट होती है वो भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक चंक्स होते हैं, यानी 10-10 सेकंड के कुछ क्लोजअप, बिग क्लोजअप आप शॉट्स करते हो। तो यस, यहाँ प्रिपरेशन चल रही है, वहाँ शूट चल रहा है और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। दिस इज़ द डेडिकेशन रोज हम लोग KFC पहुंचे और KFC को इस तरीके से नोच घसीट के खा लिया जिस तरह कई महीनों बाद एक शेर जंगल में अपना शिकार करता है और उसको चीर फाड़ करता है। और इस टाइम हमारी मूवी का सबसे टेंस मोमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। जैसे अदीला जी हैविंग लंच, यहाँ पे इनकी कॉल हो रही है और ये लंच कर रही है। कर लें खाना खा लें। और हमारे DP साहब जो है वो कैमरा माउंट करने में लगे हुए हैं विथ डायरेक्टर, और जबकि ये एक आदमी जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। क्या हो रहा है यार है? आधी टीम हमारी यहाँ जा रही है, आधा जाने दे यार उसको, जाने दे भाई, और आधा शॉट हमारा पीछे चल रहा है नाजरीन, जबकि डायरेक्टर साहब अपने यहाँ बैठे हैं, हटी हुई है। डायरेक्टर साहब ने गाइड कर दिया। डायरेक्टर साहब शॉट के ऊपर कितनी उम्मीद है आपको? अभी चलो आगे निकलो, फोरन हॉस्पिटल पार्किंग सीन है। गाइस हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल लोकेशन पर, रफ एंड टफ, और टाइम हमारे पास कम है, सनलाइट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, 7 बज रहे हैं और हमने अभी अपने 2 सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यस द स्ट्रगल इज रियल ब्रो, हमें भागना है बस, रिकॉर्ड करना है फटाफट। हमारा बैड सीन हो गया है, हमारी हॉस्पिटल वालों ने शूट के लिए इजाज़त नहीं दी। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। हालत बुरी हो चुकी है, लाइट बिल्कुल डेड हो चुकी है और हमारे दो सीन अभी भी रहते हैं। यार इट्स नॉट एन ईजी थिंग ब्रोज, स्टिल हमारी शूटिंग चल रही है गाड़ी के अंदर, चेक करो। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया लेकिन आप अपनी शूट तो नहीं रोक सकते थे ना, तो हमने भी कुछ ऐसे ही किया, लाइट हमारे पास डिम हो रही थी और शॉर्ट्स हमारे पास रहते थे, तो अपने हॉस्पिटल के बाहर शूटिंग स्टार्ट कर, लेकिन फाइनली हॉस्पिटल वालों ने हमें परमिशन दी
और फिर हमने एक अपना फाइनल सीन टेक किया। यस जी, तो 95% शूट कंप्लीट हो चुकी है, थैंक गॉड। हॉस्पिटल के बाहर थोड़ा सा रोला हुआ था, अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी रात हो चुकी है और टारगेट ये था हमारा कि हम 7-8 बजे तक रैपअप कर दें, पर इस टाइम 8:45 हो रहे हैं और हम रैपअप नहीं कर सके। तो कुछ चीज़ें नेक्स्ट सीन जो था थोड़ा चेंज किया हमने, क्योंकि लाइट और दिन यही है हमारे पास, अब इससे आगे हम नेक्स्ट डे शूट नहीं कर सकते। तो अब इस लाइटिंग के अकॉर्डिंग हमने अपनी एंडिंग थोड़ी सी उसको मैनेज कर लिया, अब उसको शूट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज ही इसका रैपअप करेंगे। थैंक यू। सो फाइनली शूट हुआ कंप्लीट और हम पहुंचे लिफ्ट का सोडा। वाह, क्या मजे से अंकल भर भर के जिन्होंने मसाला डाला है। ये मसाला जो है ना, हमें लग पता है, बट नो डाउट सोडे ने जान मारी, पूरे दिन की थकान इस सोडे ने मिटा दी। यस, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। क्या बात है सर, मेरी जिंदगानी। सेट पर आ चुका है लेमन सोडा। Cheers. Yeah, cheers. Oh my God. मुट्ठी भर के नमक डाला इसमें। बहुत नमक है भाई। इधर रखो, इधर रख, हम पिएगा, हम पिएगा, हमको नमक पसंद है। So yes, welcome back guys. I'm sure के आपको हमारी ये जर्नी अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। खासकर ये उन लोगों के लिए मैंने ये जर्नी पूरी रिकॉर्ड करी है जो नए फिल्म मेकर हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये वो जर्नी है जिसमें जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे ना। तो इस वीडियो को, इस पूरी जर्नी को ज़रूर देखना। आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ अपने हिस्से का इसमें ज़रूर पिक कर लोगे, और कहीं भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी अगर ये हेल्पफुल रही है जर्नी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये सिलसिला शुरू से बना रहे। ओके दोस्तों, सो इसको रैपअप करता हूँ और फिर नई नए कंटेंट के साथ आपसे जरूर जल्द ही ज्वाइन करूँगा। इस वीडियो के एंड में जो हमने पोस्टर डिज़ाइन करा है उसको ज़रूर देखना कि हम लोगों ने किस तरीके से ये पोस्टर डिज़ाइन किया है। आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा, और इसी वीडियो में जल्द हमारी एडिट भी कम्प्लीट होने वाली है, तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बने रहो मेरे चैनल पे जिसका नाम है आर्ट बाय रेहान खान। टेक केयर।